नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आज वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रिव्यू वीडियो लेके, जो कि होने वाला है सुपर डुपर क्विक। क्योंकि एक्चुअली मैं ये जो वीडियो है जिसके बारे में बना रही हूँ वो एक फेस वॉश है, फेस वॉश का रिव्यू है। और यार मुझे एक बात बताओ यार, मेरे दिमाग में एक सवाल है, ठीक है, क्या आप लोग भी वैसे लोग हो क्या जो कि मतलब आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है, अगर उसको पसंद करते हो तो बेसिकली लड़कियाँ, तो आप उनके ना डेली रूटीन या डेली वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो देखते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने जो ये फेस वॉश खरीदा है ना, ये फेस वॉश एक सेलिब्रिटी का रिव्यू देख के ही खरीदा था कि उन्होंने अपना डेली रूटीन शेयर किया था। मैं बता दूँ, आई थिंक यू हैव ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो है दिव्या कुमार खोसला के बारे में। She is beautiful, मतलब मुझे लगता है she is a natural beauty, उसकी बहुत flawless skin है। तो मैंने उनका review देखा था कि वो कौन सा मतलब daily routine में क्या क्या चीज़ें use करती हैं, तो उन्होंने तब इस face wash के बारे में बताया था। अब तो मैं बता देती हूँ आपको, मैं जिस face wash की बात कर रही हूँ, this is Cetaphil ऑयली स्किन क्लींजर रिमूव, जो कि एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन के लिए है। उन्होंने इसी फेस वॉश की बात की थी तो मैंने परचेज कर लिया। मैंने सोचा व्हाई शुड नॉट आई ट्राई इट, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑयली स्किन है और एक्ने का भी प्रॉब्लम है मुझे, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया। अब मैं सबसे पहली बात जो इसकी बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि दिस इज़ पैराबिन फ्री, और इसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, मतलब बहुत पतला भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है, नॉर्मल है। और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लगता नहीं है, बहुत थोड़ा सा लेना होता है। हाँ, प्रॉपर फॉर्म इसमें जनरेट होता है, प्रॉपर फॉर्म जनरेट होता है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्वांटिटी थोड़ी सी लोगे तो फॉर्म जनरेट नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन करता है स्किन को, आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होगा। और अंदर से मतलब एक बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले तो एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकते इसको, जिनकी ऑयली स्किन है दे कैन ओनली यूज़ इट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो चेहरा है ना धोने के बाद काफ़ी ड्राई कर देता है। इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करने की ज़रूरत है। और मैंने जो इसको यूज़ करके देखा और इसके जो बेनिफिट्स मुझे लगे हैं, इनिशियली आई हैड ब्रेकआउट्स, मुझे इससे ब्रेकआउट्स हुए थे। आई नो मैंने बहुत सारे और लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं जिन्हें ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं और जिनके लिए ये एज अ मिरेकल वर्क किया है। तो मैं बताऊँ, मुझे इनिशियली इसमें ब्रेकआउट हुए थे, या डेफिनेटली, देन उसके बाद जब मैंने इसको कंटिन्यूसली एक दो वीक के लिए यूज़ किया ना, देन आई डोंट नो, शायद मेरी स्किन यूज्ड टू हो गई, उसके बाद से मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, नथिंग लाइक दैट। हाँ, स्किन मेरी काफ़ी अच्छे से क्लीन होती है इससे, ऑयल आना थोड़ा सा कम हो गया है इसके बाद से, जब से मैंने ये फेस वॉश यूज़ होने, पहले मुझे क्या होता था हर 2-3 घंटे बाद ना टी जोन जो मेरा है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बट अभी इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा ड्राई होता है मेरा फेस। तो आई कैन से कि यू कैन ट्राई फॉर वंस। और मैं इसका प्राइस बता दूँ तो इसका प्राइस आई थिंक आई डोंट नो, इट्स समथिंग लाइक 200-300, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि एग्जैक्ट प्राइस क्या है। और ये अलग अलग क्वांटिटीज़ में आता है, लाइक आई हैव परचेज इन 125 ml, आई थिंक इसका एक 300 ml इन 350 ml भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर पहली बार ट्राई कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट के हिसाब से ना आप एक बार छोटा पैक लेके ही ट्राई करो और पैच टेस्ट कर लेना इफ़ यू हैव सो मच ऑफ सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी नॉर्मल ऑयली स्किन है तो यू कैन गो फॉर इट, डेफिनेटली बहुत अच्छा फेस वॉश है ये, यू कैन यूज़ फॉर इट, कोई ऐसा ड्रास्टिक कलर चेंज एंड ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, डलनेस आपके चेहरे पे जो है वो काफ़ी हद तक जब आप इसको वॉश करोगे तो काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होगा इससे। सो ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो कैटफिल के बारे में, ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, यू कैन यूज़ फॉर वंस। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप डेफिनेटली इसको शेयर करो, लाइक करो मेरे वीडियो को, और के मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे सारे वीडियोज़ को मिस नहीं करो। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।